नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आज आर्य सबल बुक के संख्याओं पर आधारित प्रश्न के क्वेश्चन नंबर 31 से सॉल्व करेंगे। इससे पीछे के क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कवर कर चुका हूं, आज उसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, एक संख्या के वर्गों का दुगुना उस संख्या के 11 गुने से 21 अधिक है, वह संख्या कौन सी है। दोस्तों इस क्वेश्चन के हम दो तरीके से बनाएंगे, लेकिन हम इसको डायरेक्ट शॉर्ट तरीके से बताएंगे आपको। यही तरीका आप अपनाइएगा, ठीक है। देखिएगा, एक संख्या कहने से पता नहीं चल रहा है कि वह कौन संख्या है। तो हम मान लेते कि वह संख्या एक्स है। तो एक्स में एक्स के वर्गों का दुगुना, एक्स के वर्गों तो वर्ग मतलब स्क्वायर, इसका दुगुना, तो इसका दुगुना उस संख्या के 11 गुना से 21 अधिक है, तो ई अधिक है, इससे ई अधिक है, तो अधिक हम इसी में जोड़ के इसको बराबर कर देंगे। बहुत आसान हो गया, ठीक है। जैसे देखिए ना, आप एग्जाम्पल देखिए ना, 5 जो है ना 2 से 3 बड़ा है, तो 3 इसी में जोड़ के इसको बराबर कर दिए, ठीक है। वही बात यहाँ किए हैं। अब यहाँ से बाई ऑप्शन चलिए, यहाँ से बाई ऑप्शन बहुत आसान से बनेगा, नहीं तो फिर इधर के गुणनखंड तोड़िए, ठीक है। देखिए कैसे बनाएंगे, इसे द्विघात समीकरण पर चल जाएगा। तो यहाँ से देखिए ना डायरेक्ट कैसे ऑप्शन ए लेते हैं, तो ऑप्शन ए एक्स एक्स का मान पूछा है, वह संख्या कौन सी है, वह संख्या एक्स का ना मान आएगा, तो ऑप्शन से 4 अथवा -7/2, तो हम डायरेक्ट ऑप्शन ए लेते हैं। तो एक्स के जगह 4 रखिए, एक्स की जगह 4 रखिए, तो 4 चौका 16, 16 दूना 4 के स्क्वायर 16, 16 दूना 32 हो जाएगा, ठीक है। 32 इधर हो गया, थोड़ी था इधर 11 चौका 44 हो गया, 44 से 21 तो बहुत हो जाएगा, ऑप्शन ए फ्लॉप कर गया, ठीक है। ऑप्शन बी लेके चलते हैं, ऑप्शन बी 7 अथवा 3, तो यहाँ रखिए एक्स की जगह 7 रखिए, 7 से 49 49, देखिए ना एक्स की जगह 7 रख रहे हैं, 7 से 49 होगा, एक्स की जगह 7 के स्क्वायर 49 गुना 98 होगा। इधर देखिए, इधर भी 7 रखिए, तो 1177 प्लस 21 कितना हुआ, 7 + 1 = 8, 7 × 2 = 98, 98 इधर भी आ गया। इसलिए एल एच आर एस से बराबर हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हुआ, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा। दो संख्याएं 1:5 के अनुपात में है, तथा इनको इनका गुणनफल 200 320 है, इन संख्याओं के योग क्या होगा। देखिएगा, दो संख्या है, पहला संख्या और यह दूसरा संख्या, कितना के अनुपात में है, 1:5 के अनुपात में, ठीक है। इनका गुणनफल, दोस्तों जब भी गुणनफल बोलेगा ना क्वेश्चन में, तो एक्स सटा दीजिएगा, एक्स, तो इस दोनों गुना कीजिएगा, तो 5 × 5 = 1x, तो 5 × 5 = 1x हो जाएगा, इधर 320 हो जाएगा, 5 से करिएगा 5 × 6 = 30, 5 × 6 = 20, एक्स रूट हटेगा, स्क्वायर हटेगा, तो इधर रूट चलेगा 64, और 64 के वर्गमूल होता है 8, ठीक है। तो गुना कीजिए 1 × 8 ये हो जाएगा 8 × 5 = 40 हो जाएगा, 40 और 8 के योग पूछा है, 40 और 8 = 48, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हुआ, 48, ठीक है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 33 नंबर देखिएगा, कि दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है, इनमें से प्रत्येक में 6 जोड़ने पर यह अनुपात जो है ना 5:9 हो जाता है, संख्याएँ क्या है। देखिएगा, दो संख्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात दिया है 3:7, और जब 6 जोड़ देता है ना इसमें, तब हो जाता है, प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ देता है, तो यह अनुपात होता है 5:9 के अनुपात में था। तो अनुपात में कितना जोड़ रहा है, देखिए ना, अनुपात में 2 जोड़ रहा है कि नहीं, 3 से 5 हो गया, तो 2 जोड़ रहा है, 9 से 7 से 9 हो गया, तो अनुपात में 2 जोड़ रहा है, जबकि रियल में 6 जोड़ रहा है, देखिए ना 6 जोड़ रहा है, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, तो 3 संख्या पूछा है, 1 का वैल्यू 3, तो 7 का वैल्यू 21, 1 का वैल्यू 3, तो 3 का वैल्यू 9, यानी कि 9 और 21 आपका आंसर होगा, 9 तथा 21, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हुआ। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 34, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% 25% अधिक है, पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। देखिएगा, पहली संख्या 3 की संख्या है, दूसरी संख्या और यह तीसरी संख्या, तो तीसरी से अधिक है, तो तीसरी को 100 मान लीजिए, तो देखिए पहले बोला है वो पहले 12.5% वृद्धि किया है, तो पहले वाला में, दूसरी बार 25% दूसरी के लिए, तो पहली में 12% वृद्धि किया है, तो इसका हो जाएगा 112.5%,
और दूसरी में 25% वृद्धि किया है तो ये हो जाएगा 125%। ठीक है, प्रतिशत लगाइए इसमें, 25% इसमें, प्रतिशत इसमें, तो प्रतिशत 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 तो कटिए जाएगा। तो देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या के, तो के का वैल्यू नीचे रहता है। ठीक है, तो देखिए पहली संख्या, तो पहली कितना है 112.5, दूसरी से दूसरी के, तो दूसरी के कितना है, दूसरी 125 है। आप प्रतिशत के लिए सबसे गुणा कर दीजिए, 0.5 हटाइए तो बट्टा में 1 0 है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 25 से कट जाएगा 5 बार में, 25 से कट जाएगा 25 4 का 100, 25 5 125, 5 से कट जाएगा फिर 2 पर, 45 2 90% आपका आंसर हुआ है ऑप्शन में, 90% नहीं है, है तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हुआ। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत। देखिएगा इसमें दो संख्या दिया है, दो तीन संख्या है, पहली और दूसरी और तीसरी से तो अधिक है, तो तीसरी के 100% मान लेंगे तो परसेंट कर जाता है, 30% वृद्धि किया तो ये हो जाएगा 130% और ये हो जाएगा 140%, 40% वृद्धि किया है तो प्रतिशत प्रतिशत सब में लगा दीजिए तो प्रतिशत प्रतिशत ना कर जाएगा, तो प्रतिशत लिखने से क्या फायदा है। अब आगे देखिए पहली संख्या, तो पहली कितना 130, दूसरी संख्या का तो दूसरी बट्टा में 140, कितना प्रतिशत, प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 1 0 से 1 0 कर जाएगा, 4 2 से कर जाएगा 7 बार में, 2 से कर जाएगा ही 50 बार में, 13 5 65, 650/7 पूर्णांक में इसको तोड़ लीजिए, क्या पूर्णांक में ऑप्शन है, तो 7 7 9 63, 7 2 14, 26 नीचे में 7, यानी कि इतना 92.6/7 आपका आंसर हुआ जो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है, इस बार कम बोला है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। देखिए तीन संख्याएं हैं, पहला संख्या, दूसरा संख्या और यह तीसरा संख्या, तो तीसरी के 100 मान लीजिएगा तो 30 कम है तो 70% हो जाएगा, प्रतिशत प्रतिशत कर जाएगा, यहाँ प्रतिशत नहीं लिखेंगे, 37 कम है तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 37 कम है तो ये हो जाएगा 63% हो जाएगा, 63% प्रतिशत कर जाएगा, तो बोला है दूसरी संख्या पहली संख्या से वाला और के वाला नीचे रहता है, तो दूसरी संख्या, तो दूसरी कितना है 63 और से बोला है पहली, तो पहली 70 है और प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 1 0 से 1 0 कर जाएगा, 7 से 9 बार में, 9 दहियाँ क्या कर दिए, नहीं कम पूछा है, सॉरी सॉरी यहाँ गलती हो गया, देखिए दूसरी संख्या पहली से कितने प्रतिशत कम है, तो पहली संख्या दूसरे से, दूसरी संख्या पहली से कितना कम है, 7 कम है, देखिए ना 70 है ये 63 है, तो 70 से 63 7 कम हुआ, 7 कितना से कम है, तो 70 से आप प्रतिशत के लिए 100 से गुना। ठीक है, 7 से कर जाएगा 10 बार में, 10 से 1 0 से 1 0 कर जाएगा, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो 10% आएगा। ठीक है, 10% ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ हम थोड़ा मिस्टेक से पहली संख्या से ले लिए, कितने प्रतिशत है यहाँ कम के बारे में बोला है। ठीक है, आते हैं अगली क्वेश्चन पे, सॉरी 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 37 नंबर, तीन संख्याएं का अनुपात 3:4:6 है तथा इनका गुणनफल 1944 है, इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। दोस्तों अभी इसे बताएं, पहला संख्या ये दूसरा संख्या मानते हैं और तीसरा संख्या। ठीक है, अनुपात दिया है 3:4:5, तो बोले हैं कि गुणनफल जब भी रहे ना तो रेशियो में x सटा दीजिएगा, इसमें x x x तो इसको गुणा कीजिए, गुणनफल दिया है रियल में तो अनुपात में गुणनफल निकालिए, तो 5 4 20 20 23 60, 60x 60x, x गुने x गुने x x³ बराबर 1944, तो काटिएगा इसको 15 से, काटिएगा कटेगा 5 4 5 4 20 20 23 60 है ना होगा, हाँ सॉरी यहाँ 6 है 6 है, 6 4 24 24 23 72 72 होगा, 72 सॉरी 6 है, यहाँ देखिए 5 लिखते थे 72, तो 9 से कटिएगा 9 8 72, 9 से कटिएगा 9 2 18, 1 1 5 14, 9 1 9 9 6 54, 8 से काटिएगा 8 2 16 8 2 16 कितना 8 7 56, एक्स क्यूब हटेगा तो इधर क्यूब रूट चढ़ेगा 27, और 27 के घनमूल क्या होता है 3 3 9 3 27 3 होगा। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू जो आया 3 आया, तो बड़ी संख्या तो 3 4 6 में बड़ी संख्या कौन है 6 है, तो 6 एक्स का वैल्यू 3 तो 6 3 18 18 आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दो संख्या का अंतर 3 है तथा इनके वर्गों का अंतर 39 है, इनमें से बड़ी संख्या कितनी है। देखिएगा दो संख्याओं का अंतर, तो संख्या मान लेते हैं एक ए और दूसरा संख्या बी मान लेते हैं, दोनों का अंतर जो है ना
तीन है तो बराबर तीन लिखिए, और फिर इनके वर्गों का अंतर, तो वर्ग कीजिएगा ए स्क्वायर, फिर इसको वर्ग कीजिएगा तो बी स्क्वायर, इन दोनों का अंतर जो है ना 39 है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, इतना होता है बराबर में 39 है, सॉरी 39 है। अब देखिए ए प्लस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी का वैल्यू आपको पता है तीन, तो तीन यहाँ गुना में है तो इधर उधर जाएगा तो भाग में, तो 39 बटा तीन हो जाएगा, तीन से कट जाएगा 13 बार में। तो देखिए ए माइनस बी का वैल्यू तीन आ गया, ए प्लस बी का वैल्यू 13 आ गया, तो जोड़िएगा तो बी बी कट जाएगा, तो 2a बराबर 13 3 16, दो से कट जाएगा 8 बार में, ए का वैल्यू आया 8। आपसे पूछा क्या बड़ी संख्या, तो दोस्तों बड़ी संख्या कैसे पता चलेगा कि ए बड़ा है कि बी बड़ा है, तो आप सोचिएगा कि देखिए पिताजी हमसे पहले आए हैं इस दुनिया में ना, तो पिताजी हमसे बड़े हुए, हमारा भैया हमसे बड़े हैं इस दुनिया में आए हैं, तो भैया हमसे बड़े हुए, तो इसलिए ए पहले आया है बी से, इसलिए ए बड़ा है, यानी कि 8 आपका आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हुआ। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दो संख्याओं का योग 15 है तथा इनके वर्गों का योग 113 है, इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। देखिएगा दो संख्या, ये पहला संख्या और यह दूसरा संख्या, दोनों का योग लिखिए, ए बी लिखिए, ए और बी लिखिए, दोनों का योग जो है ना 15 है तो बराबर 15, और इनके वर्गों का योग था ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, इसका योग जो है ना 113 है, 113 है। तो दोस्तों आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर किस में आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर में आता है, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर में आता है ना, क्या आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो ए प्लस बी का वैल्यू पता है आपको 15, 15 के स्क्वायर बराबर, ए प्लस बी का वैल्यू पता है 13, तो 113 लिखिए, प्लस 2ab, 15 के स्क्वायर 225 होता है, 113 या कि इधर घट जाएगा, 113 आके घट जाएगा, तो इधर बचेगा 2ab बचेगा। देखिए तो 5 में से 3 गया 2, और 2 में से गया 1, और 2 में से गया 1, 112 बराबर 2ab, तो इधर ए बी रख लीजिएगा, 2 गुना में इधर तो भाग में 112 बटा 2, 2 से कट जाएगा कितना बार, 2 5 10, 2 6 12, ए बी का वैल्यू जो आया 56 आया। अगर आपसे गुणनफल ही पूछा है, देखिए क्या है किधर गया, इन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, गुणनफल मतलब ए बी का वैल्यू कितना होगा, ए गुने बी 56 आया, यही आपका राइट आंसर हुआ, ठीक है, ऑप्शन में 56 देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हुआ। यहाँ आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्या कहता है, दो संख्याओं का योग 25 है, तो एक संख्या मान लीजिए ए और एक संख्या बी मान लीजिए, तो दोनों का योग 25 है तथा अंतर 13 है, तो अंतर मतलब ए माइनस बी 13 है तो बराबर 13, तो जोड़ दीजिए बी बी से कट गया, तो 2a बराबर हो गया 5 3 8, 2 1 3, 2 से कट जाएगा ये 19 बार में, a का वैल्यू आया 19, तो b का वैल्यू नहीं कर सकता है, ए प्लस बी बराबर 25 है, तो a का वैल्यू उधर भेज दीजिएगा, तो a का वैल्यू 19 आया है, तो 25 माइनस 19 हो जाएगा, ठीक है, तो b बराबर कितना हो जाएगा, 25 में 15 में से 9 गया 6, और 2 में से 1 में से 1 गया 0, बी का वैल्यू 6 आया, तो ए गुना बी का वैल्यू पूछा है, तो ए का वैल्यू 19 है, बी का वैल्यू 6 है, गुणन पर तो 19 6 114, आपका राइट आंसर 114 हुआ है, ऑप्शन में 114, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हुआ। दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।